वो जहाँ रहे भर पेट मिले उसे पौष्टिक चारा, यही चाहत है हमारी, यही है सपना हमारा। लुट नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की आवाज एमपी। शहर सहित जिले भर में गौवंश की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए आंदोलनरत संत समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जनसुनवाई सभागार में कलेक्टर और जिम सीओ से भेंट कर चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले जयस्तंभ चौराहे पर चार दिन से चल रहे अनशन की विधि शाम शहर तहसीलदार ने समाप्त कराया था। उल्लेखनीय है कि शहर में इन दिनों गाय गौवंश को बचाने के लिए कुछ लोग आंदोलनरत है। गौवंश को बचाने की मांग के साथ 2 अक्टूबर को कैंट से शुरू हुई यात्रा का जयस्तंभ चौराहे पर समापन हुआ था एवं 3 अक्टूबर से यहां धरना प्रदर्शन और अनशन किया जा रहा था। चार दिन चले अनशन को चीती शाम समाप्त कराया गया था। दरअसल गौवंश की दुर्दशा से हर कोई चिंतित है। जब तक आप सभी गौ माता की रक्षा के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक यह जनमानस सुनने वाला नहीं है। रोजाना गौवंश को बचाने के फेर में कभी गौ माता को तो कभी लोगों की जान खतरे में आ जाती है। शहर सहित एवी रोड हाईवे पर बैठी गौ माता की रोजाना दुर्घटना में मौत हो रही है, ये चिंता का विषय है। गौवंश की रक्षा के लिए अनशन कर रहे विवेक महाराज और उनके साथियों की मांग है कि चरनोई की भूमि मुक्त कराई जाए, सरकारी और गैर सरकारी गौशालाओं में उचित और नियमित देखभाल हो, गौशालाओं में गौ सेवकी और सामाजिक संस्थाओं की देखरेख की अनुमति हो एवं गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले, जिले में गौ संरक्षण के लिए गौ अभ्यारण बनाए जाए आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। आज जनसुनवाई पहुंचकर संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की, उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा और गौवंश की दुर्दशा को बताया। इस दौरान संतों की सुनवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने जिले में गौ अभयारण्य बनाए जाने की मांग को मानते हुए कहा, यह हम दिखाएंगे कि कहां कितनी सरकारी भूमि है जहां गौ अभयारण्य बनाया जा सकता है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को प्रपोजल बनाकर भेजेंगे। वहीं जहां चरनोई भूमि पर अतिक्रमण या कब्जा हो उन्हें हटाया जाएगा। गौशाला और कांजी हाउस में गौवंश की सुरक्षा पर उचित कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया गया। इस मौके पर महंत कैलाशगिरी महाराज, महंत राघविंदर दास महाराज, पंडित विवेक शर्मा, राधेश्याम केवट आदि मौजूद रहे। हमने ये 3 तारीख को अनशन रखा था जिसपे हम संत समाज, हमारे बाबूजी, संत भगवान, हम सब लोग बैठे थे और जिसमें कल आकर के हमारे तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वस्त किया कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी चरनोई भूमि खाली हो, जिससे जो गाय सड़क पर घूम रही है वो सड़क से खेतों में पहुंचे और उसको उसके हक का जमीन मिल पाए, पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग थी हमारी सरकारी और प्राइवेट गौशालाओं में उचित व्यवस्था हो, जो अव्यवस्था फैल रही है, कई जगह गाय मरी पड़ी हुई है, कई जगह गायों को कुत्ते खा रहे हैं, तो ऐसी दुर्दशा को देखते हुए हमने आज ये मांग रखी थी। तो उस पर हमारे लिए ये आश्वासन मिला है कि इनकी पूर्ति की जाएगी। और तीसरी मांग हमारी थी कि गौशालाओं में सामाजिक संस्थाओं का और सामाजिक लोगों का ध्यान होना चाहिए। असल में क्या है कि अभी हमारे जो जनमानस है, समाज है, समाज ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी है। वो ये चाहता है कि सरकार जो पैसा दे रही है मानो गाय पल गई। तो बंधुओं, मैं सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि केवल पैसे से गाय नहीं पलती, सरकार कितना भी पैसा दे दी, अभी 20 रुपये दे रहे थे, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 40 रुपये कर दिया। अरे मैं कहता हूँ 100 रुपये भी देंगे तो अभी गाय नहीं पलने वाली। जब तक हमारी समाज के लोग इसमें आकर के अपना योगदान नहीं देंगे तब तक सामाजिक गाय बचने वाली नहीं है और ना समाज बचने वाला है। तीसरी मांग, चौथी मांग हमारी थी राज्य माता हो, गौ माता को राज्य माता बनाया जाए, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दे दिया है। और पांचवी मांग हमारी है गुना में गौ अपहरण हो, तो उसके लिए हमें कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा। पहली जो चरणी भूमि है इस पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, ये देखने को अपन को देखो कितने जल्दी मिलता है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अभी हमने अनशन को स्थगित किया है, ख़त्म नहीं किया है, हम आगे भी पूरा संत समाज और जनमानस मिलजुल करके हम गौ माता जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है सड़कों पर, आप कहीं पे भी जाओगे तो गाय सड़क पर मिलेगी, ऐसे ही हमारे संत और हम सब लोग मिलकर के सड़कों में ही गाय के साथ अनशन फिर शुरू कर सकते हैं। कब तक हो जाएंगी मांगे पूरी, क्या आश्वासन मिला है? हमें डेट से तो नहीं दिया है माननीय जी ने कि इतने दिनों में हो जाएगा, लेकिन हमें एक लगभग 10 से 15 दिन का एक इंतज़ार करेंगे।